कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में हो रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। जनवरी के चौथे सप्ताह से मिलेगी कोविड रोधी नेजल वैक्सीन। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में होगी उपलब्ध। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग इसे बूस्टर डोज के तौर पर कर सकेंगे इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव करने का दिया आदेश। योगी सरकार के ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए संकेत। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, पिछले वर्ग के अधिकारों को लेकर नहीं किया जाएगा कोई समझौता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना के दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी में छात्रों से की बातचीत। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में करेंगे संबोधित। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी ठंड। भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा, 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाटिया ने कहा, गहलोत सरकार ने कांग्रेस परिवार के आदेश पर एक ऐसे व्यक्ति को जमीन दी जो वास्तव में था ही नहीं। और अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 60। खबरों के मुताबिक जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब तक 17 लोगों की मौत। सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल। आपदा प्रबंधन के अधिकारी राहत कार्यों में जुटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज, मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। यूपी सरकार ने फैसले के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जरूरी हुआ तो तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने कहा कि यह व्यवस्था लागू करने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और कानून के जानकारों से परामर्श लेने के बाद इस मामले पर सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में विधि सम्मान तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे समय पर संपन्न कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रत्येक समुदाय व वर्ग के अधिकारों के संरक्षण हेतु भाजपा प्रतिबद्ध है। किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा।
कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें 865 गांव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रस्ताव बिना विरोध पारित हो गया। महाराष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि विवादित इलाके में 865 मराठी भाषी गांव हैं और इनकी जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी करने की जरूरत होगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। इन गांवों में बेलगाम, कारावार, बिदार, निपनी, भलकी शामिल है। आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र बेलगाम, खानापुर, निपनी, नंदगांव और कारावार सहित 814 गांवों पर अपना दावा करता आया है। महाराष्ट्र के कई नेताओं का कहना है कि यहां के लोग मराठी भाषी हैं। जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था तो इन गांवों को कर्नाटक की बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई थी, फिर विवाद की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में एमसीजी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र लाल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को चुना है। आज मेयर पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में ये सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन भर सकते हैं। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव भी होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं। आप यहां से तीसरी बार पार्षद बनी हैं, पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। गजेंद्र लाल बीजेपी के बागी नेता के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका से जीत के बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत पूर्वोत्तर के राज्य असम में परिसीमन का आदेश दिया है। कानून मंत्रालय के द्वारा प्राप्त अनुरोध के बाद आयोग ने असम राज्य में परिसीमन के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वहां विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में दिए गए आदेश में कहा गया है कि इसके लिए चुनाव आयोग अपनी निश्चित प्रणाली और प्रक्रिया को अपनाएगा। साथ ही अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तय किए गए आरक्षण के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से राजस्थान सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का आरोप लगाया गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसानों की जमीन हड़पी गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान भी किसानों की जमीन हड़पी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जिस दौरान 125 बीघा जमीन किसानों से हड़पी गई। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है और गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से, और बताया ही जाता है न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है, लेकिन यह पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया हमलावर रहे गांधी परिवार पर। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का काम बस एक है कि किस तरह से तिजोरी भरना और किसानों की जमीन हड़पना।
ये जो कट्टर पापी परिवार है इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना। हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। आगे गौरव भाटिया ने कहा कि पहले रॉबर्ट वाड्रा पर वीवीआईपी कल्चर के दुरुपयोग का दाग लगा था, आज किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है, पर सोनिया गांधी कह रही हैं कि दाग अच्छे हैं। आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, और ये कहना गलत नहीं होगा। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था, वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं ये दाग अच्छे हैं। वहीं राहुल गांधी की भगवान श्री राम से तुलना करने वाले सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति की चाटुकारिता ये है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। देश में कोविड 19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। आज देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोविड 19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने नेजल वैक्सीन को बीते हफ्ते मंजूरी दे दी, जल्दी वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए हो सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी।
वही जीएसटी और हॉस्पिटल चार्ज को मिलाकर ये 1,000 रुपए की मिलेगी। पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अब पता चला है कि वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी और इस पर 5% जीएसटी लगेगा। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं। कोरोना के संभावित वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए देशभर में स्वास्थ्य मूलक तैयारियों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। गुजरात सरकार भी कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज पूरे गुजरात में विभिन्न स्थानों पर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर के सिविल अस्पताल का दौरा किया जहां ऑक्सीजन प्लांट, बिस्तर की व्यवस्था, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। वहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विधायक दर्शनाबेन वाघेला, सिविल डॉक्टरों ने कोरोना वार्ड का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना के दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी को वो संबोधित कर रही हैं। आई कन्वे माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑफिसर ट्रेनीज। यू ऑल डिजर्व हाई प्रेज फॉर योर मेरिट प्रोविन बाय योर गेटिंग इनटू द मच रेस्पेक्टेड सर्विसेज। आई विल चेरिश माय मेमोरीज ऑफ दिस विजिट टू द नेशनल पुलिस अकेडमी नेम्ड आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुज वेरी मेंशन इंस्पायर एवरी इंडियन। नियरली 12 years आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड रिटन एंड आई कोट दैट देयर इज टूडे एन इंडिया टू थिंक एंड टॉक अबाउट इज वेरी लार्जली ड्यू टू सरदार पटेल्स स्टेटमैनशिप एंड फार्म एडमिनिस्ट्रेशन आई एंड कोट। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी to re-emphasize on behalf of all fellow citizens our gratefulness to the Iron Man of India. This academy is also an outcome of his foresight. I am glad to note that your academy song conveys this sentiment. Lohe jaisa himmat hai, lohe sa jazwa apna, aankhon mein liye chalte hain hum, loh purush ka sapna. If you remain steadfast to pursuing the dreams of Sardar Patel, you will definitely make immense contribution to the country and its people. I think it is important to remind young officers like you a famous statement of Sardar Patel. Appealing to the officers of newly independent India, he had said, and I quote, "Your predecessors were brought up in the traditions in which they kept themselves aloof from the common run of the people. It will be your bounden duty to treat the common man in India as your own," unquote. Ladies and gentlemen, this academy has been making great contribution for several decades by nurturing leaders for the Indian police. When the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the nation acknowledges the rich contribution of our police force in sustaining and strengthening the world's largest and most vibrant democracy. The Indian police has also made its huge contribution in preserving the unity of the country, which was saved by Sardar Patel. Thousands of brave police personnel have laid down their lives for the cause of India's internal security. Their names are etched on the wall of valor at the National Police Memorial in New Delhi. I offer my humble salutation to those valorous children of Bharat Mata. Paying respect to the brave hearts at Matias Kolum in this campus was a very touching experience to me. I once again salute the memory of the IPS officers who sacrificed their lives at the altar of duty.
Dear IPS probationers, the burden of colonial past and feudal habits still affect many aspects of behavior and governance in our country. That is why liberation from the mindset of slavery for those who still retain it has been identified as one of the national priorities. Let us always remember the simple fact that the colonial powers developed policing systems based on consent and participation of citizens in their own countries. But they promoted policing based on the fear among citizens in colonies like India. Police is the most visible organ of the government. When the police force commands trust of the people, it enhances the image of the government. The police will command respect and trust only when the entire force under you to the last constable displays alertness, sensitivity, and honesty. Dear IPS probationers, right since the beginning of your career, you will be in leadership positions. The quality of your leadership will determine the effectiveness and morale of the force led by you. It will also touch countless lives. As the leaders of your force, you have to keep in mind and demonstrate through action the five fundamental attributes of integrity, impartiality, courage, competence, and sensitivity. The responsibility of prevention and detection of crime and upholding the rule of law is becoming more complex. Dealing with terrorism, insurgency, militancy, ideology-driven violent extremism, communal violence, large networks of organized crime and other threats to internal security requires high levels of motivations, skills, and perseverance. Cyber crimes and issues related to social media pose novel challenges. Technology-driven policing is needed to combat high-tech crimes. Police processes have to be partners in progress of the country and transformation of the society. Police officers like you, police officers like you are going to play the roles of change agents in India's achieving greater prosperity while ensuring sustainable development, especially inclusion. By inclusion, I mean inclusion of that last person, the most deprived person, the most vulnerable person. That person should be at the center of your concerns. You should be sensitive to the plight of the voiceless. You have to ensure that an illiterate poor man living in a remote corner of the country gets sympathetic support at the local police post. Dear IPS probationers, Rashtrapita Mahatma Gandhi had written, and I quote, "My life has been an open book. I have no secret and I encourage no secrets," unquote. Transparency and friendliness demonstrated by police officers gets talked about among the people. It is said that the real worth of a person is determined by what he does when nobody is watching. Let me add to this and say that everything big or small that you do will come to be known to everyone. Imagine that you are living in a glass house and let your life be like an open book. Try to fill the book of your life with your own stories of compassion, helping the underprivileged, earning the love and support of the people, yet being firm and decisive. Let the criminals tremble with fear.
एट द वेरी थॉट्स ऑफ द पुलिस बट एट द सेम टाइम लेट द कॉमन सिटीजन लुक एट द पुलिस एज ए फ्रेंड एंड सेवर. If your team discharges its duties well, approval and trust of all stakeholders will follow as natural consequences of your genuine efforts. At times, you may encounter challenges, even unfair adversaries. But I assure you that in the end, truth alone triumphs, satyameva jayate. I appeal to you to march ahead through the challenges of your career with a clear consequences, and I bless you with an illustrious future ahead. Dear IPS probationers, in line with our stated national priorities, Nari Shakti has to play a major role in achieving the targets we have set for ourselves during the Amrit Kal. A truly Atmanirbhar Bharat presupposes Atmanirbhar Nari. It is very rightly said that when you invest in a woman, the women invest in everyone else. It is heartening to note that women are demonstrating greater participation in our democratic process. The rising share of women voters has been one of the biggest achievements of the Indian democracy in recent times. The leadership pipeline of women has to become larger and stronger in every walk of life. Larger participation of women results in better overall development. I have been told that Scandinavia countries, women constitute nearly 30% of the police force. It is a fact worth highlighting that the Scandinavian countries having the largest average women representation in the police are also among the top ranking countries in terms of human development indices. We should quickly move ahead from the phase of empowering women to the stage of women-led development. It is already happening in many fields. It must happen in a much bigger way. I must emphasize that women in leadership positions like the lady police officer sitting here should always help other women, especially the vulnerable. In fact, if every woman stand up for the weaker ones among them, the society will experience a great transformation. I am happy to note that gender-related inputs are integrated into your training modules. I am extremely delighted to know that for the last 3 successive benches of the IPS, lady officers' trainees have been recognized as the best probationers. Dear IPS probationers, crimes against women remain a blot on our society. Let us all resolve to bring about transformational changes. We have to ensure that a girl traveling along at late nights feels safe. Everyone has to ensure that fellow citizens follow the fundamental duty of renouncing practices derogatory to the dignity of the women as stated in our constitution. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in Hindi. बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ. पुलिस ऑफिसर्स को देख के मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है भी मैं भी बहुत यंग हूँ. मैं सात कायस, मेरा शरीर तो झुक रहा है लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेज पर हूँ. जो पुलिस ऑफिसर्स
रास्ते पर जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं लोगों का हेल्प करने के लिए। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भी तैयार है। आज जो तीन ऑफिसर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताते थे, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ क्राउडनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पुलिस फोर्स जाते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। आईन श्रृंखला उनके हाथों में है। आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, आईन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बहुत अच्छी तरह वो बयान करते थे। सर्विस कहा जाता है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। टाइम ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा, इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं। हम ओ युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए, हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के, लॉ के, नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन सॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है, उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकेडमी को, एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। दो क्राउड या दो पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह तो वो तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं
तुम जल्दी जल्दी सो जाओ नहीं पुलिस आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव गांव में है, अभी भी दूर दराज में है। लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को, और झेलते रहते कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी, कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नजदीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम, प्रेम ऐसे चीज है जो एक पत्थर को भी बिगाल देता है। वो भावना होना चाहिए, ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। मेरा जो लोग जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में भी किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सब करे और ऊपर को जाने ना दे, जाने से फिर ज्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तारा और झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे अनवंती बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे है, ये लोग हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं, ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊँ, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग, ये कंप्यूटर युग है, साइंस युग है, आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, कैसे हम करेंगे इसको टेकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे, अभी भी ये डर है, ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। और ये जो हम 2047 इतने तक मुझे लगता है, और 25 साल है, इतने तक आप ये कर पाएंगे। और आपसे नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे वो लोग सीखेंगे, आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे आपसे सीखेंगे, मैंने सीनियर क्या कर रहे हैं, आप तो सीनियर बन जाएंगे, आगे जाके कोई डीजीपी बनेंगे, कोई कमिश्नर बनेंगे, बहुत सारे चीजें आप लोगों के हाथ में होगा। ये मेरा देश है, सब अपने, कोई पराया नहीं, कोई नीचा, कोई नीचे, कोई ऊपर वाला नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है वो हो पाएगा। ये रास्ता बहुत अच्छा है, जब नाम कमाएंगे तो आज बहुत सारे लोग, एक दो का तो मैं याद है, बहुत लोग ना शायद नहीं बोल पाऊंगी, नहीं बोलूंगी। आप अपना आइडेंटिटी देश के लिए नाम रोशन कीजिए, और अपना देश का आइडेंटिटी भी बनाओ कि यस
हम देश में अभी एक संस्था में गई थी, उन लोग बोलते हैं कि ये हम दूसरों से अलग है, हम कंपेरेबल नहीं है, अनकंपेरेबल, कोई किसी के साथ हम तुलनीय नहीं है, तुलना नहीं कर सकते, हम अलग हैं और अपने तरह से हम हैंडल करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे। नुकसान होते हैं थोड़ा बहुत, क्यों होते हैं, क्यों क्यों तो आप जाइए, मुझे लगता है उसी पे वहीं पे ही अलग बीजा है, सीड है, क्यों तो जाइए मुझे लगता है, और क्यों को जब आप खत्म करेंगे ना सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है आप वो कर पाएंगे। क्यों ये नुकसान है मेरे भैया, मेरे ये लोग क्यों नुकसान हो रहे हैं? बाहर के लोगों के तो ये है, पुलिस प्रशासन भी है और मिलिट्री फोर्स है, बहुत सारे चीज़ें जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है वो तो है, सब मिलके करेंगे, लेकिन ये जो बहुत सारे चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जोड़ तक जाइए और उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है भारत का स्वाधीनता का इंडिपेंडेंट का 100 साल बहुत अच्छा होगा आपके लीडरशिप में, आपके अगुवाई में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, गांव में, दूर दराज में सब लोग खुशी से नाचेंगे, और कोई किंतु अंदर में कोई किंतु नहीं होगा, ये बात ये प्रश्न नहीं रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों से जरूर उम्मीद करता हूँ, आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही है, साथ ही साथ देश का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने देश की एकता को संरक्षित रखने में अहम काम किया है। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आपको जनता के बीच पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए आपका जनता के बीच मित्रवत व्यवहार जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मातृभाषा हिंदी में सभी प्रशिक्षुओं को कहना चाहती हूं कि समृद्ध काल में आप लोग आम लोगों के साथ बंधुवत की भावना को बढ़ाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।